अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। जनकपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा डोल में नल जल योजना से पानी सप्लायर बस्ती में पाइपलाइन BSNL कंपनी के द्वारा फोन लाइन निर्माण तार बिछाने हेतु खुदाई करते कई जगह में पाइप तोड़ दिया गया, जिससे आम जनता को आज गर्मी के महीने में पानी पीने में बहुत किल्लत है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 100 परिवार कोटा डोल थाना से लेकर स्कूल पारा तक सभी घर में पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन पाइप टूट जाने से गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए मजबूर हैं जनता। आम जनता उससे BSNL कंपनी वालों को बोला कि यह पाइप तोड़ दिए हो तो बनवा दो। वह बोले आज हम या कल बनवा देंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गए, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। इंदर प्रसाद, ये बाजार मोहल्ला स्कूल पारा में स्थित है और यहाँ BSNL का काम चल रहा था। BSNL द्वारा ये काम किया गया, अब ये तोड़ के चल दिए। आज तक कहते रह गए कि इसको बनाओ बनाओ, तो आज बनाएंगे कल बनाएंगे। और आम पब्लिक 20-30 घरों का इसका पानी पी रहे हैं, 20-30 घर है ऐसे, लगभग 60 आदमी लोग तो पानी पी रहे हैं। आज गर्मी के सीजन में ये पानी का बहुत तपस्या हो रहा है, आम पब्लिक पानी कहाँ से पिए। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, इस पानी के विषय को लेकर ये तत्काल BSNL कंपनी जो ठेका लिया है, वो ये पानी नल जल योजना हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा डोल के ग्राउंड से किया गया है, वो वहाँ से पानी सप्लाई कोटा डोल में हो रहा है। और ये हर जगह में BSNL कंपनी वाले इसको तोड़ दिए हैं अपना मशीन लगा के। उनको कहा भी गया कि ये पानी का तकलीफ होगा, लेकिन ये लोग काम करते आगे निकल गए हैं मुरकिल कमर जी रोड तक, और यहाँ का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने बात किया तो बोले आज बना देंगे, आज नहीं बनाते हैं तो शासन प्रशासन इसका ध्यान दे, आम पब्लिक धरना प्रदर्शन करेगा। अगर पानी